फिजिक्स कॉन्सेप्ट में सईद और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द ओरिजिनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है और यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिला, ये भी हम लोग इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, यानी यंग्स नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1801 में थॉमस यंग्स ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया था। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इस वजह से किया गया था क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट लाइट एक वेव होती है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया था। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट इज द डेमोन्स्ट्रेशन टू शो दैट द लाइट कैन बी इंटरफेयर। पानी तो इंटरफेयर होता है, ये बड़े आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि वाटर कैन बी इंटरफेयर, और हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है, कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे क्या वाटर किस तरह से इंटरफेयर होता है। लेकिन लाइट भी इंटरफेरेंस या फिर इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी बताती है या लाइट में भी इंटरफेरेंस होता है ये बताने वाला ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। देखिए, अगर हम पुराने जमाने की बात करें कि उस समय जब यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया होगा तो उस समय तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल नहीं था, तो उस समय उन लोगों ने सन को एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर किया। सो डेफिनेटली जो सन से वेव्स आते हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, लेकिन अर्थ तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक कार्डबोर्ड को यूज किया जिसमें एक सिंगल होल बनाया जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके सामने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक और कार्डबोर्ड रखा जिसके अंदर दो पिन होल्स थे। पिन होल्स आप समझ सकते हो बहुत ही बारीक होल थे, यह बहुत ही बारीक होल पिन होल्स थे, और जब वेव्स या फिर जब लाइट वेवफ्रंट इसके ऊपर पड़े बेसिकली, तो तब यहाँ से दो सोर्स में से लाइट इमिट होने लगी, यानी ये एक तरह के सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करने लगे अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल। जब ये हाइजन प्रिंसिपल की तरह काम करने लगे तो ये इंटरफेयर होने लगे, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने लगे। तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और एक पैटर्न स्क्रीन पर देखने को मिला जिसमें आपको अल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट पॉइंट ऑब्जर्व हुए। अब एग्जैक्टली ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न उनको दिखाई दिए ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। अगर हम लोग उसका रियल व्यू देखें या ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह से रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये बहुत ही क्लियर पैटर्न तो नहीं है, लेकिन देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो क्या ये ब्राइट पॉइंट है। ये देखिए, सेंटर में ब्राइट लाइन है, उसके बाद फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, यानी अल्टरनेटिंग पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व होने लगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है उन्होंने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइट क्या होती है, वेव होती है। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके जरिए से बड़ा ही आसानी से एक्सप्लेन होता है कि लाइट क्या है, एक तरह की वेव होती है। देखिए, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं हम लाइट पार्टिकल है, अगर लाइट पार्टिकल होती, यानी अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम जाते और लाइट को अगर पार्टिकल यूज करते, तो देखिए ये दो गैप्स है, अगर ये दो गैप्स है या फिर दो होल्स होते तो डेफिनेटली स्क्रीन पे हमें दो स्पॉट दिखने चाहिए थे, यानी यहाँ पर सिर्फ दो लाइंस दिखने चाहिए थे और यहाँ पर दिख भी रहे, पर कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर लाइट पार्टिकल होती तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यू सी दैट, आप ऑब्जर्व करोगे कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ। यहाँ पर दो फ्रिंजेस है, दो गैप्स है, यानी दो पॉइंट्स है, दो सोर्स है, और दो सोर्स के बदले हम लोगों को स्क्रीन पर इतने सारे पैटर्न देखने को मिल रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब लाइट क्या होंगी, वेव होंगी। अगर लाइट वेव नहीं होती तो लाइट सीधे सीधे ट्रैवल करती और आपको दो स्पॉट बताती, दो लाइंस बताती, दो स्लिट के वजह से दो लाइट्स ऑब्जर्व होंगे, ये बहुत ही कॉमन सेंस है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइट एग्जैक्टली जो है पार्टिकल नहीं थी, लाइट को वेव कंसीडर करके ही इस तरह का पैटर्न बन सकता है। और यहां पर देखिए, उन्होंने लिखा, यंग्स डिड ऑब्जर्व एन इमेज ऑफ द अल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट पॉइंट व्हिच कंफर्म दैट द लाइट हैज अ वेव प्रॉपर्टी। एंड लाइट में क्या होती है, वेव प्रॉपर्टी होती है। अगर लाइट में वेव प्रॉपर्टी नहीं होती तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखना चाहिए था। यू शुड, यानी आपको अगर दो होल्स होते तो यहाँ पे दो स्पॉट दिखने चाहिए थे, यहाँ तीन होल्स होते तो तीन स्पॉट दिखने चाहिए थे, चार चार होल्स होते तो चार स्पॉट दिखना चाहिए थे, लेकिन ऐसा
नहीं हुआ, रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशन मिला। क्या यहाँ से जब इस स्लिट में से लाइट पास होती है तो दो पैटर्न या दो पॉइंट के बजाय हम लोगों को बहुत सारे अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क पॉइंट मिले। तो इससे तो यही साबित होता है कि लाइट जो है एक तरह की वेव होती है, ना के पार्टिकल होती है। सो दैट्स व्हाई द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच वॉज डिड्यूस्ड बाय द थॉमस यंग्स इन 1801 विच डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाइट कैन बी इंटरफेयर, लाइट भी इंटरफेयर हो सकती है, लाइट में भी सुपरपोजिशन हो सकता है और वहां पर अल्टरनेटिंग डार्क और ब्राइट पॉइंट बनते हैं। इसका एक और इंपॉर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, इसमें हम लोगों को यंग्स एक फॉर्मूला देते हैं, यंग्स एक हमें एक फॉर्मूला देते हैं। इस फॉर्मूले के जरिए से हम लोग ये जो देखो, ये फॉर्मूला जो है ये है लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। देखिए ये सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं ये हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक्स जो होता है ये फ्रिंज विड्थ होती है, डी जो होता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, ये जो दो गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये एक होल और ये एक होल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है, और कैपिटल डी मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, यानी स्लिट से लेकर यानी ओपनिंग होल से लेकर दो जो सोर्स है वहां से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कैपिटल डी कहते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा जो वेवलेंथ देगा अननोन लाइट की। देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ विब्योर के वेवलेंथ पता होते हैं, अगर और किसी कलर की वेवलेंथ अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए यंग्स ने हमें ये एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले के जरिए से आप किसी भी कलर की वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय थ्रू, जब हम लोग इसमें से वो लाइट को पास करेंगे जिसकी आपको वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न के जरिए से आप क्या कर सकते हो इस वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। सो इस तरह से बेसिकली यंग्स एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है। इसके बाद हम लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मॉडर्न जो व्यू है वो डिस्क्राइब करना है कि मॉडर्न व्यू किस तरह से था और किस तरह से बेसिकली वो पैटर्न हम लोगों को देखने को आगे चल के मिले हैं। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग किस तरह के पैटर्न हम लोगों को देखने को मिले थे। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो पैटर्न है ये मॉडर्न व्यूज है। मॉडर्न व्यूज का मतलब ये है कि अब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट है जिसको हम लेजर लाइट कह सकते हैं, और इसके अलावा भी जो है हमारे पास स्लिट्स है, पिन होल्स नहीं, हम स्लिट्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कि है काफ़ी अच्छी स्क्रीन होती है और बहुत सारी चीज़ें आज हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं जो कि पूरे तरह से क्लियर पैटर्न दिखता है, जहां पर एग्जैक्टली ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट आपको मिल सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली ये हम लोग आगे चल के कैरी आउट करेंगे और इसके ज़रिए से हम लोग कुछ डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। लेकिन फिर भी अभी हमें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ब्राइट और डार्क पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ब्राइट और डार्क पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ब्राइट और डार्क पॉइंट बनने की कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशन सो दैट दे शुड बी ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट, यानी ये ब्राइट पॉइंट कब दिखेंगे और डार्क पॉइंट कब दिखेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है। ओके तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होते हैं। मतलब ये है कि दो वेव्स जब ट्रैवल करते हैं और किसी पॉइंट पर रीच होते हैं साइमल्टेनियसली तो वो कैसे रीच होने चाहिए, या फिर ब्राइट पॉइंट बन रहा है तो क्यों ब्राइट पॉइंट बन रहा है, वो दो वेव्स कैसे फेज में इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर उनका पाथ डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों को डिस्क्राइब करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ब्राइट और डार्क पॉइंट बनते हैं ये कैसे बनते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले आप अगर देखोगे तो सेंटर में, देखिए सेंटर में जो है सेंटर में हमेशा ब्राइट पॉइंट दिखाएंगे। आप चाहे यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी आप कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेंट्रल पॉइंट हमेशा ब्राइट दिखाई देगा। तो सेंट्रल पॉइंट ब्राइट क्यों दिखाई देता है, व्हाई इट इज ब्राइट, तो इसका रीजन भी है। देखिए अगर हम लोग बात करें सेंट्रल पॉइंट की तो ये हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और ये S1 और S2 टू कोहेरेंट सोर्सेस है। देखिए कोहेरेंट सोर्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ये दोनों सोर्सेस में से जो लाइट इमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका फेज
जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो ही इन दोनों सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कह सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक सोर्स से दो सोर्स बने, और ये दो सोर्स जो है बेसिकली ये क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस है। तो अगर ये दो कोहेरेंट सोर्सेस है तो यहाँ से लाइट जब यहाँ पर ट्रैवल करेंगी और यहाँ से लाइट जब यहाँ पर ट्रैवल करेंगी तो डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो इनका पाथ का डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब अगर इसमें से पांच वेव्स निकलते हैं और पांचवे वेव का यहाँ पर ट्रफ क्रस पहुंचता है तो यहाँ से भी पांच वेव पहुंचेगी और पांच वेव का क्या पहुंचेगा, क्रस्ट पहुंचेगा। और जब क्रस्ट और क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या ट्रफ और ट्रफ ओवरलैप होंगे तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो मिलने वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा। इसलिए सेंट्रल पॉइंट हमेशा ब्राइट पॉइंट रहेगा, चाहे कितने भी पॉइंट्स यहाँ से या कितने भी वेव्स यहाँ पर सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो इनका पाथ डिफरेंस सेम रहेगा। और ये जब साइमल्टेनियसली रीच हो जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगे और इनका पाथ डिफरेंस जीरो होने की वजह से यहाँ पर आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा। सो हमेशा याद रखना, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ब्राइट पॉइंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल की तो बात समझ में आ गई कि सेंट्रल पॉइंट ब्राइट होता है, लेकिन इसके आजू बाजू भी तो पॉइंट्स है। आप बोलेंगे सर ये तो सेंटर में नहीं है, ये भी ब्राइट दिख रहा है, ये भी तो सेंटर में नहीं, ये भी ब्राइट दिख रहा है, ये सेंटर में नहीं, ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है, तो फिर भी ये ब्राइट दिख रहे हैं, तो ये ब्राइट क्यों दिख रहे हैं। तो चलो देखते हैं ये ब्राइट क्यों दिखते हैं। तो बेसिकली ये हमारी कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी ब्राइट पॉइंट की। देखो अगर पी को हम ब्राइट पॉइंट मानते हैं, अगर पी ये ब्राइट पॉइंट मान के चलते हैं, इसका मतलब ये है कि एस वन से जो लाइट ये वेव्स यहाँ पर P पर पहुंच रहे और S2 से वेव यहाँ तक पहुंच रहे, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पाथ का डिफरेंस है, ये दोनों सेम डिस्टेंस नहीं है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव्स रीचिंग टू द पॉइंट P, यानी P पर जब ये दोनों पॉइंट पहुंच रहे हैं तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, फिर भी वो पॉइंट अगर मान लीजिए ब्राइट है तो ब्राइट क्यों है ये समझ लीजिए। ये P विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट पॉइंट इफ द पाथ डिफरेंस विल बी जीरो, जीरो तो रहेगा तो ब्राइट ही रहेगा, सेंट्रल पॉइंट रहेगा लैम्बडा, टू लैम्बडा, थ्री लैम्बडा एंड सो ऑन। अब ऐसे कैसे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ से जो है ये डिस्टेंस जो है ये 5 सेंटीमीटर का है और ये डिस्टेंस जो है 6 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से जो लाइट वेव ट्रैवल कर रही है इसकी वेवलेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 वेव्स पहुंचेंगे राइट, और यहां से 6 वेव्स पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए यहां से जब 5 वेव्स पहुंचेंगे तो मान लो पांचवी वेव का क्रस्ट पहुंच रहा है, तो यहां पर भी छठी वेव का क्या पहुंचेगा, क्रस्ट पहुंचेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव्स साइमल्टेनियसली ट्रैवल करेंगे, तो यहां से दोनों साइमल्टेनियसली ट्रैवल करने वाले, यानी एक वेव तो पीछे ही रह जाएगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो एक वेव जो है ये पीछे ही रह गई। यानी एक वेव को अगर हम देखें तो जब इसकी एक वेव खत्म होगी, इट्स एंडेड, देन हियर इज द फर्स्ट वेव स्टार्टेड, यानी एक वेव इसकी जब खत्म हो जाएगी, अकेली वेव, सिंगल वेव, तब जाके इसकी वेव स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर S1 में से निकलने वाली पहली वेव है और S2 में से निकलने वाली दूसरी वेव है, तो पहली वेव S1 और दूसरी वेव S2, इन दोनों में इंटरफेरेंस होने वाला, इसकी एक वेव पीछे ही रहेगी। यानी अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो भी आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा, लैम्बडा है तो भी ब्राइट पॉइंट मिलेगा, टू लैम्बडा है तो भी ब्राइट पॉइंट मिलेगा, यानी एन लैम्बडा है तो भी ब्राइट पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा और इस वजह से पॉइंट जो रहेगा ब्राइट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो ध्यान से समझिए इस चीज को कि S1 से लेके P तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का है, एक वेव जो है 1 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर 5 वेव पहुंचेंगे ऊपर और नीचे 6 वेव्स पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेगी। लेकिन इंटरफेरेंस किसमें हो रहा है, तो S1 की पहली वेव और S2 की दूसरी वेव के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि S2 में से जो वेव्स निकल रही है वो पहली वाली वेव अकेली वेव निकल रही है, सिंगल वेव, और सिंगल वेव में इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो इसकी सेकेंड वेव के साथ S1 का इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा। और इस वजह से जब यहां से ये दोनों ट्रैवल करेंगे तो यहां से तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखिए, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा, इस वजह से ये P पॉइंट क्या मिलेगा, आपको ब्राइट मिलेगा। अगर 2 लैम्बडा है तो दो वेव्स पीछे रह जाएगी, 3 लैम्बडा है तो 3 वेव्स पीछे रह जाएगी, 4 लैम्बडा है तो 4 वेव्स पीछे रह जाएगी, इस तरह से ये वेव्स पीछे रह जाएगी, और इस वजह से आपको हमेशा ये P पॉइंट कैसा दिखाई देगा, ब्राइट पॉइंट।
चलो आगे देखते हैं कि डार्क पॉइंट क्यों दिखता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो पी विल बी अ डार्क पॉइंट। पी अगर हम लोग मान के चलते हैं कि पी क्या है, डार्क है, तो पी डार्क कब हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर अगर पार्ट डिफरेंस लैम्ब्रा बाई टू है, थ्री लैम्ब्रा बाई टू है या फोर फाइव लैम्ब्रा बाई टू, यानी ऑड मल्टीपल्स में। देखो ध्यान से यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ध्यान से समझिए इस चीज, 5.5 सेंटीमीटर का, हर एक वेव 1 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर 5 वेव पहुंचेंगे और 5 वेव का क्रस पहुंच रहा है सपोज मान लीजिए, और यहाँ से 5.5 वेव पहुंचेंगे। इसका मतलब ये है कि आधी वेव का यहाँ से क्रस्ट होगा और इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट मैच हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब यह है कि S1 में से जब क्रस्ट निकलेगा तो दूसरी वेव का ट्रफ होगा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और इस वजह से दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने की वजह से P पॉइंट तक इंटेंसिटी नहीं पहुंच पाएगी। तो सारे के सारे जो ऑड मल्टीपल्स में आएंगे, यानी हाफ लैम्ब्रा, यानी लैम्ब्रा बाई टू, थ्री लैम्ब्रा बाई टू, फाइव लैम्ब्रा बाई टू एंड डैश डैश डैश, जनरल फॉर्मूला ट्वाइस एम प्लस वन लैम्ब्रा बाई टू, और फेज डिफरेंस उसी के जरिए से आप लगा सकते हैं, जैसे कि 180, 2 पाई, 3 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, 3 पाई डैश 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 ट्वाइस एम प्लस 1 इनटू पाई, जिसमें एम की वैल्यू यहां पर 1, 2, 3 होंगी, 0 से नहीं स्टार्ट होंगी। पिछले उसमें देखिए 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 पे क्या आता है, हमेशा सेंट्रल ब्राइट पॉइंट आता है। तो इस तरह से बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होता है और आपको इस तरह का पैटर्न जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह का पैटर्न देखने के लिए ब्राइट पॉइंट कब बनता है और डार्क पॉइंट कब बनता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस,